अकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी के 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर साल की तरह 3 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा बाबा जुंगदेव जी के टिमकी स्थित निवास स्थान से निकलकर वर्धमान नगर स्थित सांस्कृतिक भवन में समाप्त होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर का अध्यक्ष राजीव गोपीचंद जी मदन का, तो महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इस पत्र परिषद में आए। जी मैडम, ये हर साल शोभा यात्रा 3 अप्रैल को निकाली जाती है, जो बाबा का जन्मदिन है। यह बाबा का निवास स्थान है टिमकी, वहाँ से निकल कर शोभा यात्रा वर्धमान नगर सांस्कृतिक भवन है वहाँ पर समापन होता है। 9:30 बजे से 5 बजे तक के वो प्रोग्राम चलता है। 2 बजे से उस रैली परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में उसका समापन होता है। उसके बाद में चर्चा सत्र यानी सत्संग होता है 4:30 बजे तक, और 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है। इसमें 2 लाख के ऊपर में लोगों के आने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, ये यहाँ से ये सब सेवकगण भक्तगण आने की संभावना है। संभावना के आते ही है लोग हलवे सर, अभी कम से कम 53,000 उसके सभासद है, यानी जिसका रजिस्टर के ऊपर में नाम है उनका सेवक नंबर है, और 15 लाख के ऊपर ये गरीब परिवार है जो व्यसन मुक्ति अंधश्रद्धा से जो जिसको परम पूज्य परमात्मा बाबा के नाम से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने उनको मुक्ति दिलाई है। बहुत से लोग हैं, 10 लाख के ऊपर में लोग है, और पिछले वर्ष 2019 में महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी का महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया, और 30 सितंबर 2013 को महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी की डाक टिकट का भी विमोचन केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन्होंने गोंदिया में किया था, उसका विमोचन। ये मेन पुरस्कार बाबा को मिले। अलग का पहनावा नहीं है, सादी वेशभूषा है, सादे रहने उच्च विचार के हिसाब से सादा कोई वेशभूषा नहीं रही। इस प्रोग्राम के लिए क्या? इस माध्यम से आह्वान करूँगा कि देश से व्यसन मुक्ति यानी दारूबंदी, गुटखा और भ्रूण हत्याएं, महिलाओं को होने वाले जो अत्याचार है वो सब कम हो इस प्रोग्राम के माध्यम से। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट